जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएमई पुणे की वैकेंसीज के बारे में, जिसका आपका रिजल्ट आउट हो चुका है। फिलहाल के लिए कोई भी लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। सीएमई की वेबसाइट फिलहाल के लिए नहीं स्टार्ट हुई है, न क्यों कोई भी लिस्ट पर लिस्ट जारी की गई है। जिनके पास भी मैसेज आ गया है उनके पास 100% लेटर आएगा। लेटर भी नहीं आता है तो अपने पोस्ट ऑफिस से या पोस्टमैन से पता करते रहें, वहाँ पे आपका लेटर जारी किया जाएगा, वहाँ से आपके पास लेटर आएगा। ये ऐसा लेटर आप देख सकते हैं, ये लेटर आपके पास आने वाले हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट के पास नहीं पहुँचा है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें या टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज मुझे कर सकते हैं। आपकी कुछ बहुत सारी जानकारियाँ उसमें छूट गई थी पहले के लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था, क्योंकि जो भी कैंडिडेट ने मुझे पहले जो भी लेटर सेंड किया था उसमें बहुत सारी जानकारियाँ, मतलब पूरा लेटर सेंड नहीं किया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारी जानकारियाँ छूट गई थी। तो आपको बहुत ज़रूरी थी वो जानकारियाँ बतानी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो भी ज्वाइनिंग लेटर जारी किया गया है, 9 जून को आपका लेटर जारी हुआ है। इन कैंडिडेट का लेबोरेटरी असिस्टेंट अदर देन टेलीकॉम पे इनका सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात है, उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ जो भी सिलेक्शन जिनका हुआ है। लेवल 3 के लिए इनका सिलेक्शन हुआ है, 21,700 इनका बेसिक है। लेवल 3 की ये पोस्ट है जिसमें 21,700 पर, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, 1964 के नियम के अनुसार ये वैकेंसीज आपकी भर्ती हुई है। 2 साल का, 2 साल का आपका प्रोविजन पीरियड रहेगा। अच्छे से काम करें, कोई भी आपको नहीं निकाल सकता। जो भी आपके गवर्नमेंट के, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके प्रमाण पत्र होने चाहिए, जैसे EWS, SC ST और जो भी आपके अदर किसी भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, वो आपके कंप्लीट जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए, ये बिल्कुल बात को ध्यान में रख लें। कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो सही से चेक कर लें कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सही है। आज एक कैंडिडेट ने मुझे मैसेज किया था जिनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपका जो भी पिताजी का नाम गलत था, तो ऐसे बहुत सारी गलतियां आपको देखने को मिलने वाली हैं। उनके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हैं कोर्ट में जाकर, कि जो भी आपकी गलती किसी प्रकार की पाई जाती है आपके डॉक्यूमेंट में, तो वहाँ पर आपको निकाला भी जा सकता है। इससे पहले आप एक एफिडेविट बनवा लें, जो भी आपकी गलतियाँ जिसमें हैं उसके माध्यम से आप बता सकें कि ये गलती किसी आपकी त्रुटि के कारण हुई है, जिसके वजह से एफिडेविट बनाकर साथ में आप ले जा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ऑल इंडिया सर्विस एबिलिटी आपकी रहने वाली है, बाकी की आपको ओथ, ये जो भी आपका इसमें क्लेरिफिकेशन करना है, जो भी आपका शपथ पत्र है वो भी साथ में दिया हुआ है। ये शपथ पत्र वगैरह कंप्लीट पहले नहीं दिखाए गए थे, इसकी वजह से मेरा कन्फ्यूजन था कि मैं ये सर्टिफिकेट आपको कंप्लीट साथ में ले जाने हैं कि या वहाँ पे कंप्लीट भरे जाएंगे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि वहीं पर आपको कंप्लीट भरे जाएंगे, लेकिन आपका ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट कंप्लीट आप इससे जो भी ज्वाइनिंग लेटर आपका जारी किया गया है उसके साथ आपको दिए गए हैं। तो जो भी जो आपके डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो फटाफट आपको बनाकर कंप्लीट वहाँ पर दिए गए टाइम पर आपको पहुंचना है। टाइम भी मैं आपको बताने वाला हूं कब तक आपको पहुंचना है और किस प्रकार से आपको रिपोर्ट करने से पहले आपको विलिंग देना है। विलिंग कैसे देना है वो भी आपको लिखना है, कंप्लीट आपको जानकारी देने वाला हूं। तो आप ये देख सकते हैं कंप्लीट आपके रूल वगैरह कंप्लीट दिए गए हैं, NPS सिस्टम में आपका रहने वाला है। बाकी कि आपके जो भी आपके ऑफिस या डिपार्टमेंट में आपको पहुंचना है, जो भी डॉक्यूमेंट लेकर कंप्लीट आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। जो भी आपका सिविल सर्जन मेल कैंडिडेट के लिए सिविल सर्जन DMO इक्वल टू जो मेडिकल अफसर है उसके लिए, मेडिकल अथॉरिटी के लिए, वो भी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी घर से ही बनवा कर लेके जाना है। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो भी आपका सिविल असिस्टेंट सिविल सर्जन या लेडी अफसर जो होगी उसका भी मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बना हुआ होना चाहिए, वो आपको लेके जाना है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में दिया हुआ है, वो कंप्लीट आपको बनाकर ले जाना है। उसके साथ ही आपको 2 करेक्टर सर्टिफिकेट दिए गए हैं, वो करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको बनाकर लेके जाने हैं। इसके अलावा NOC सर्टिफिकेट है, तो कोई कैंडिडेट का NOC मतलब पहले से जॉब कर रहा है उनके लिए NOC सर्टिफिकेट भी बना के ले जाना है। और 3 सेट अटेंशन फॉर्म आपको साथ में लेके जाना है विथ आपका जो भी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट साथ में दिया गया है उसके साथ आपको बना के लेके जाना है। 1 सर्टिफिकेट आपको दिया गया है करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि मजिस्ट्रेट से साइन होगा। SC ST कास्ट सर्टिफिकेट जो भी OBC के हैं वो कंप्लीट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए। जो भी EWS का सर्टिफिकेट है वो आपका अप्रैल 2022 से लेके अप्रैल 2000 मार्च 2023 के बीच का होना चाहिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। यदि आपके पास अभी तक नहीं बनवाया सेंट्रल गवर्नमेंट का तो बनवाकर ज़रूर साथ में लेकर जाएं। उसमें भी प्रॉब्लम आपकी आ सकती है कि यदि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं था तो आपने अप्लाई कैसे किया, तो उसके भी आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, कैंडिडेट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपको निकाला भी जा सकता है। इसमें उसका भी कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा यदि डिपार्टमेंट ने ये कह दिया कि अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक आपका बीच का सर्टिफिकेट यदि नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो भी उसमें निकाला जा सकता है,
क्योंकि आपने स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं थी, उसके बावजूद आपने स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लगाकर फॉर्म फिलअप कर दिया, आप एक क्राइम कर रहे हैं एज ए, तो आप कैंडिडेट को निकाला भी जा सकता है। इसके लिए आपका सर्टिफिकेट यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसके लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट बना होना चाहिए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट आपका 10th का मार्कशीट भी चल जाएगा। एनओसी सर्टिफिकेट आपका जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका प्रॉपर सही डिपार्टमेंट से बना होना चाहिए, उसकी भी वेरीफाई हो सकता है। तो कैंडिडेट के पास जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको यदि आपके सही तरीके से नहीं बना हुआ है तो अपने डिपार्टमेंट में जहाँ से बनवाया है उस स्टेट डिपार्टमेंट से आप क्लियरिफाई कर लिए कि आपका वेरिफिकेशन होते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको देख सकते हैं, ऑफर अपॉइंटमेंट, द प्रोविजनल ऑफ सर्टिफाइज और रिपोर्ट ऑफ वेरिफिकेशन, करेक्टर, जो भी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, कंप्लीट कास्ट सर्टिफिकेट है और आपका एनओसी है, जो भी आपके अदर्स, जो भी आपकी इकोनॉमिक सर्टिफिकेट है, जो भी कंप्लीट सर्टिफिकेट जो भी आप वहाँ जमा करेंगे उनका वेरिफिकेशन होने के बाद में ही कंप्लीट अपॉइंटमेंट माना जाएगा। जाते ही आपको ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा, लेकिन जो भी कंप्लीट जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपका अपॉइंटमेंट, आपका जो भी जो कंप्लीट सर्टिफिकेट, जो भी आपके एजुकेशन है तो वो स्कूल से वेरीफाई होंगे, और जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपके तहसील वगैरह से वेरीफाई होंगे, तभी आपका माना जाएगा। अब आपको आई सबसे बड़ी खास बात, इसमें आप देख सकते हैं, यदि आप इस वैकेंसीज को एक्सेप्ट करते हैं तो 23 जून तक, टाइम बहुत कम है कैंडिडेट के पास, मैं फिर कह रहा हूँ 23 जून तक एक ईमेल आपके पास आई थी, वो ईमेल में लास्ट में दिखाने वाला हूँ। ईमेल पे आपको कंप्लीट एक्सेप्टेबल आपको लिखकर अपना नाम, रोल नंबर और ट्रेड आपको लिखकर कंप्लीट एक्सेप्टेबल आपको लिखकर आपको ईमेल करना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस वैकेंसीज के लिए, एक्सेप्टेबल मैसेज नहीं करेंगे ईमेल पर, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी घर आपकी जो नौकरी लगी हुई है वो भी आपके हाथ से जा सकती है। क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है यदि आप या तो 30 तारीख तक खुद ज्वाइन करें वहाँ पे, या आप 23 तारीख तक पहले पहले 23 तारीख से पहले पहले आप या तो खुद ज्वाइन कर लें जाके, या आप 23 तारीख तक आप उसमें एक्सेप्टेबल लिख के वैकेंसीज, मतलब मैं इस जॉब के लिए एक्सेप्टेबल हूँ, और उसमें अपना नाम, नंबर, रोल नंबर, ट्रेड आपको लिख कर उसमें मेल पर आपको मैसेज करना होगा। आपको 30 तारीख तक सभी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होंगे, जो भी आपकी सी कंपनी, वहाँ पे आपको कॉलेज में ही पहुँचना है, वो अपने आप बता देंगे कहाँ पे आपको जाना है, सी कंपनी कहाँ पे है, ओसी के पास रिपोर्ट करना होगा 30 तारीख से पहले पहले। टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं है, जितने जल्दी फास्ट हो सके अपने डॉक्यूमेंट बनवाइए और 30 तारीख से पहले पहले वहाँ पे रिपोर्ट कर दीजिए। जो मैंने काम बताया है वो काम को आपको 23 तारीख से पहले करना है, जो कि ऑनलाइन आपको मैसेज करना है, ईमेल करना है, वो आपको 23 से पहले करना है, बाकी की आपको 30 तारीख से पहले पहले वहाँ पे रिपोर्ट करना है। ये सभी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, बाकी आपका कंप्लीट ये देख सकते हैं, सिग्नेचर वगैरह, इंक्लोजर, आपको सभी शीट आपको अलग अलग दी गई हैं। जो भी आपका शादी, जो मैरिज से संबंधित सर्टिफिकेट है उसकी दो कॉपी आपको दी गई है, वो दोनों आपको लेके जानी है। जो भी आपका शपथ पत्र है उसकी भी दो कॉपी दी गई है। मेडिकल सर्टिफिकेट है उसकी भी दो कॉपी दी गई है। मेडिकल सिविल फील्ड रिपोर्ट है उसके लिए भी दो कॉपी दी गई है, दो जो कि आपको ओरिजिनल बना के लेके जानी है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको 4 कॉपी दी गई है, चारों को आपको ओरिजिनल बना के लेके जाना है। अटेंशन फॉर्म आपको 3 सीट आपको दी गई है, तो उनको ओरिजिनल आपको भरकर लेके जाना है, और 2 सीट आपको दिए हैं कास्ट सर्टिफिकेट, जो करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि मजिस्ट्रेट से बना होना चाहिए, उसकी 2 कॉपी आपको दी हुई है। कॉपी आपको मैं दिखा देता हूँ नीचे, जिसमें कैंडिडेट को प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मैरिज का है, इसमें आप देख सकते हैं, यदि आपका अनमेरिड है तो यहाँ पे क्लिक करके पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे अनमेरिड करते ही तो आपका यहाँ पे सिग्नेचर, नेम आपको कर देना है, प्लेस आपका लिख देना है, डेट आपको या नेक्स्ट सर्टिफिकेट है, ओथ सर्टिफिकेट है जो कि आपका शपथ पत्र जिसको बोलते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल का नाम और डेट लिखनी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये आपका ओथ सर्टिफिकेट जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू प्रति आप शपथ लेंगे वो आपका सर्टिफिकेट इसमें दिया गया है। ये आपका आ गया मेडिकल सर्टिफिकेट। ये मेडिकल सर्टिफिकेट कंप्लीट आपको यहाँ पे आपको कंप्लीट जो भी मेडिकल अफसर है, जो आपका सिविल सर्जन है वहाँ का, वो कंप्लीट आपका यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह कंप्लीट करेगा, यहाँ पे डेट वगैरह डालेगा, जो भी आपकी कंप्लीट, जो भी आपका नाम वगैरह यहाँ पे लिखेगा, जो भी स्टेटमेंट पे यहाँ पे लिखेगा, कितने साल से आपको जानता है, मतलब कितने ईयर से आपको इसमें आपके हो गए हैं, वो आपको लिखेगा इसमें। यहाँ पे सिविल सर्जन के सिग्नेचर आपके होंगे। इसके बाद में इसका एप्लीकेशन जो भी आप दूसरा भी आपका करेक्टर जो इसका मेडिकल का है वो फॉर फॉर्मा दिया गया है। ये दो आपको दो दो कॉपी दी गई हैं।
दूसरा परफॉर्मा आपको मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा खोलने में प्रॉब्लम आ रहा है, पीडीएफ थोड़ी आपकी जो है वो आपकी बनाई हुई है। तो ये आपका सर्टिफिकेट देख सकते हैं, ये कंप्लीट आपका दिया गया है। यहाँ पे सीएमई नंबर आपका अभी मिला नहीं है, रैंक आप लिख सकते हैं, नेम नंबर आपको मिल जाएगा, आपका नेम लिख देंगे, नंबर आपका जो भी सीएमई के बाद में आपको मिलेगा। यहाँ पे कैटेगरी आपको यहाँ पे लिखेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन लिखेगा, यहाँ पे कंप्लीट इसको भरकर साथ में आपको लेके जाना होगा। ये सर्टिफिकेट आपके पास ऐसा ही है सभी कैंडिडेट के पास, जो कि आप यदि गलत भर गया है या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टाइप्ड आपको जो भी मैसेज यो जो पीडीएफ है वो हमारी तरफ से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज करके किसी भी प्रकार की पीडीएफ आप ले सकते हैं। ये फील्ड के देख सकते हैं, दो दो सर्टिफिकेट आपको दिए गए हैं साथ में। इसके अलावा आपको जो भी आपका अटेंशन फॉर्म दिया गया है, अटेंशन फॉर्म भी आप किसी कैंडिडेट के पास नहीं है या यदि गलत फिलअप कर दिया है तो उसकी पीडीएफ आपको यदि चाहते हैं तो वो मिल जाएगी। करेक्टर सर्टिफिकेट है या तो करेक्टर सर्टिफिकेट भी दो दिए गए हैं, दो सर्टिफिकेट आपको अलग अलग, ये गजेटेड अफसर वाला है, ये गजेटेड अफसर से इशू होगा आपको, दो गजेटेड अफसर से इशू करवाने हैं, या तो प्रिंसिपल स्कूल वगैरह से करवा सकते हैं जो भी सरकारी स्कूल के हैं, या आप जो भी डॉक्टर वगैरह से भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं, यदि कोई भी आपका डॉक्टर जानकार है तो भी आप करवा सकते हैं। तो ये सभी सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं कंप्लीट इसमें आपके दिए हुए हैं। इसके अलावा आपको जो भी दिया गया टेंशन फॉर्म जो भी कंप्लीट आपको बताया गया, पहले भी वीडियो में बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे फिलअप करना है, उसकी भी जानकारी दी हुई है। यदि आपको फिलअप करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है या आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, खो गया है, या आपको ये भरने में गलत कर दिया आपने, तो आपके पास फीस की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। इसकी जो भी टाइपिंग कॉस्ट होगी वो आपसे ली जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नहीं मिलेगा, जो भी टाइपिंग कॉस्ट है वो आपसे इसकी ली जाएगी। यदि आप यदि इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वहाँ से आप पर्सनल मैसेज करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं, जो भी आपकी टाइपिंग कॉस्ट होगी वो आपकी लगेगी। तो ये आपके पास वैसे सर्टिफिकेट लगभग आए हैं, यदि किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट में कोई कमी है, आपको चाहिए किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट, तो आपको ये सर्टिफिकेट आपको कंप्लीट वहाँ पर हमारे परचेज भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी की मैं अभी दिखा देता हूँ जो कि कौन सी वेबसाइट पर आपको जो भी ईमेल पर आपको मैसेज करना है 23 तारीख से पहले पहले, ये ईमेल आप सभी कैंडिडेट के पास आया होगा। तो आपको नीचे नीचे इसमें दी गई है ईमेल, आप देख सकते हैं कन्फर्मेशन के लिए इस पर आपको इस ईमेल पर आपको करना है, इस ईमेल पर आपको भेजना है आपका एक्सेप्टेबल या लिख के, या आपको विलिंग लिख के भेजना है, विलिंग लिखना है या आप एक्सेप्टेबल लिखना है इंग्लिश में, और उसमें उसके बाद में पहले आपका खुद का नेम, उसके बाद में आपका रोल नंबर जो भी था वो लिखना है, ट्रेड लिखनी है, और नीचे लिखना है विलिंग द फॉर ट्रेड, विलिंग फॉर द एक्सेप्टेबल या एक्सेप्टेबल फॉर द ट्रेड ऑफ जो भी आपकी होगी वो आपको लिख देनी है आगे, या विलिंग फॉर द ट्रेड आपका जो भी होगा उस पर आपको ट्रेड का नाम आपको लिख देना है। इतना ही आपको करके इस ईमेल पर मैसेज आपको डालना है 23 तारीख से पहले पहले, नहीं तो आपके हाथ से ये जॉब जा सकती है, या 30 तारीख से पहले पहले वहाँ पे भी रिपोर्ट आप कर सकते हैं। 30 तारीख के बाद में आप रिपोर्ट करेंगे तो आपकी जॉब चली जाएगी बिल्कुल हाथ से, और इसमें आपको 23 तारीख से पहले पहले ये मैसेज भी आपको इस पर करना होगा। तो ये बिल्कुल बात को ध्यान में रखना है, जो भी आपका जिनका भी ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है वो कैंडिडेट इस बिल को बात जरूर देख लें, सभी जानकारी ले लें, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो भी आपके डॉक्यूमेंट मैंने बताए ये सभी डॉक्यूमेंट बनवाकर फटाफट अपने जो भी 30 तारीख से पहले पहले वहाँ पे रिपोर्ट कर दें। इससे संबंधित अगर कोई क्यूरी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, इवनिंग में ही आपका जवाब दिया जाएगा, मॉर्निंग में आपकी ड्यूटी रहती है मेरी, इसी वजह से आपका कोई भी जवाब नहीं दिया जाएगा, इवनिंग में आपको जवाब दिया जाएगा किसी भी प्रकार के मैसेज का। तो जो भी कैंडिडेट है इवनिंग में आपसे जो भी आपकी जानकारी ली जाएगी।